हेलो गाइस, टेक टेल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 11 पीसी या लैपटॉप में जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो है आपके टास्क बार में कैसे इनेबल या फिर वो पहले से ही इनेबल है, अगर आप उसको जो है डिसेबल करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं हम जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली सबसे पहले तो आपकी जो विंडोज सेटिंग्स रहती है वो आपको ओपन कर लेना है। विंडोज सेटिंग्स में दोस्तों अब आपको जो है यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में जाना है इस तरीके से, और अब यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशंस सेटिंग्स को ओपन कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। और इसके जो नोटिफिकेशन सेटिंग्स है यहाँ से इसको और भी एक्सटेंड कीजिए, और भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अब लास्ट में आपको एक बॉक्स मिलेगा शो नोटिफिकेशन बेल आइकन, तो अब उसको जो है यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको शो करना है बेल आइकन तो उसको जो है चेक कीजिए, अगर आपको शो नहीं करना है तो उसको जस्ट अनचेक कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आपको ये ऑप्शन ये फीचर ही नहीं मिल रहा है आपके विंडोज़ 11 में, तो उस समय आपको जो है क्या करना है, आपके विंडोज़ को जो है आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो विंडोज़ अपडेट में जाइए, यहाँ से आप इजीली इसको जो है अपडेट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है इस वीडियो में बताने के लिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।